और मुरैना से खबर आपको बता दें, सिलगिला गांव गेहूं की फसल में आग लगी है। 1500 बीघा से अधिक की फसल खाक हो गई है। निगम अध्यक्ष रघुराज कंशाना ने जानकारी दी। ग्रामीणों के बीच पहुंचे रघुराज, सर्वे कराकर नुकसान की भरपाई होगी, ये उन्होंने कहा। तो मुरैना से बड़ी खबर, सिलगिला गांव गेहूं की फसल में आग लगी है और 500 बीघा ये जमीन है जहां पर फसल खाक हो गई है, नष्ट हो गई है। निगम अध्यक्ष हैं रघुराज कंशाना, जिन्होंने इस पूरे मामले में जाकर जानकारी दी है, ग्रामीणों से बातचीत की है और उन्हें आश्वासन भी दिया है कि जो भी नुकसान हुआ है जल्द उस नुकसान की भरपाई भी होगी। 1500 बीघा जमीन जहां पर फसल थी उसमें आग लगी और पूरी फसल जलकर खाक। ऐसे में निगम अध्यक्ष रघुराज पहुंचते हैं और उन्होंने कहा है, ग्रामीणों से मिलकर उन्हें आश्वस्त किया है कि भरपाई की जाएगी। जो भी फसल नष्ट हुई है, जो 1500 बीघा में फसल लगी हुई थी, आग लगने से पूरी तरह नष्ट हो गई, उसके बाद निगम अध्यक्ष रघुराज कंशाना कहते हैं कि बहुत ही जल्द इस फसल की भरपाई की जाएगी, यानी कि मुआवजा दिया जाएगा। ग्रामीणों के बीच पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि सर्वे कराया जाएगा और सर्वे कराकर नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो चार तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुरैना, इंदौर, बड़वानी और मुरैना की, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चार तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे खुद जो है इस आग लगने के बाद जो भी ग्रामीण है उनसे बातचीत करने के लिए रघुराज पहुंचे। उन्होंने बातचीत की ग्रामीणों से, उन्हें आश्वस्त किया कि जितना भी नुकसान आपका हुआ है इसकी भरपाई कर दी जाएगी। आग लगने के बाद खेत को आप देख सकते हैं और आग लगते वक्त बड़वानी में आप देखिए जरा कि किस तरह से आग बढ़ी, इंदौर और मुरैना। अब ये कहना है रघुराज के जो पहुंचे हैं, उनका कहना है कि सभी जितने भी ग्रामीण जिनकी फसलों को नुकसान हुआ है उनको भरपाई कर दी जाएगी। आग से भारी नुकसान हुआ है, ऐसे में किसान परेशान है, विचलित है, क्योंकि फसलें जलकर खाक हो चुकी हैं। मुरैना, इंदौर और बड़वानी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग किस तरह से परेशान हैं। मुरैना की एक वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जब आग लगी थी उस वक्त का मंजर, और मुरैना की एक वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जहां पर रघुराज पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण किया, उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की, खेतों का भी जायजा लिया जिनमें आग लग गई थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।